हेलो और वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट्स। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। काफी कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे थे यार, जिसे मुझसे बोल लेते कि भाई जस्ट मनी क्रेडिट लाइन मिल गई है, हमें ये नहीं पता कैसे हम शॉपिंग करें। क्योंकि गाइस अगर आप एक नए कस्टमर है और जब आपको यहाँ पर जस्ट मनी क्रेडिट लाइन मिलती है, तो आप जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन के अंदर जब आप शॉपिंग करेंगे और पेमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देता है जस्ट मनी का वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन। यानी आप जस्ट मनी को डायरेक्टली फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी है ये अवेलेबल और अमेजोन पर भी है, लेकिन नए कस्टमर के लिए ये अवेलेबल नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें फ्लिपकार्ट अमेजोन के अंदर आपका पेमेंट के अंदर जस्ट मनी का ऑप्शन आने में। तो मेरे पास जो कमेंट्स कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जस्ट मनी क्रेडिट लाइन हमें मिल चुके हैं, हमें शॉपिंग करनी है, हमें ये नहीं पता कैसे गिफ्ट कार्ड जनरेट करते हैं, कैसे हम जस्ट मनी से शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर मैं यही बताऊंगा कैसे आप जस्ट मनी से गिफ्ट वाउचर लेकर शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रही हैं। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जस्ट मनी के अंदर अगर आपको ऑलरेडी लिमिट मिली हुई है तो जस्ट मनी एप्लीकेशन आपको यहां पर ओपन करनी होगी, ठीक है। तो जस्ट मनी मेरे पास ऑलरेडी है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर जस्ट मनी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती एक तरह की सिक्योरिटी, इसलिए मैं अपने आईफोन से करके आपको यहां पर दिखा रहा हूं। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आईफोन के अंदर एप्लीकेशन उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है जितनी अच्छी तरीके से एंड्रॉइड फोन के अंदर करती है। अभी आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर, जब आपको लिमिट मिल जाएगी तो होम पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो भी लिमिट होगी आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर गाइस शॉप नाउ का आपको एक टैब दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, बाई गिफ्ट कार्ड का आपको सेकंड में टैब दिखाई दे रहा है, और जो थर्ड टैब है वो है बिल पे का। अगर आप बिल पे पर जाएंगे तो आप जस्ट मनी को यूज करके अपने घर के बिल पेमेंट भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। 30 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, ना ही आपका इंटरेस्ट लगता है। यानी यहाँ पर जस्ट मनी पे लेटर भी आपके लिए अवेलेबल होता है, और ये अलग चीज़ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहती है जस्ट मनी बोल्ट पे लेटर क्या, तो आप आई बटन क्लिक करने के बाद वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर यू, यानी गाइज जस्ट मनी ने बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर के साथ टाइप किया हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, मिंत्रा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर हैं। आप डायरेक्टली जाकर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जस्ट मनी, सॉरी मिंत्रा के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में जाने के बाद आपको जस्ट मनी का टैब ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ, ठीक है, गो टू फ्लिपकार्ट पर आपने क्लिक करना होगा, जिस भी ऑनलाइन स्टोर पर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये पुराने कस्टमर के लिए होता है, नए कस्टमर अगर आप हैं तो आपको शायद यहाँ पर ना दिखाई दे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, मैं पेटीएम एप्लीकेशन अपनी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको जस्ट मनी का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। और गाइज सेम ऑप्शन होता है अमेजोन, और गाइस सेम तरीका होता है अमेजोन के अंदर भी। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट डालना है अपने कार्ट में, जो भी आप लेना चाहते हैं, कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डालता हूँ अभी एक सीसीटीवी कैमरा, और मैं अगर कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर दिखाऊँ, कंटिन्यू करने के बाद में गाइस मेरा पुराना अकाउंट है काफ़ी दिनों से, और मैं पेमेंट में आ चुका हूँ। और सबसे नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पर ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जस्ट मनी ईएमआई का टैब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। आप एक बार ये जरूर चेक कर लें गिफ्ट कार्ड जनरेट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट कार्ड जनरेट करने के बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको उनको इस्तेमाल ही करना होगा। अगर आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाकर शॉपिंग करते हैं जस्ट मनी को यूज़ करके, अगर आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है तो आपका लोन भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन गिफ्ट कार्ड कैंसिल नहीं होते हैं गाइज, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें पेमेंट में जाने के बाद जस्ट मनी का ऑप्शन आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका जस्ट मनी का ऑप्शन ना तो फ्लिपकार्ट के अंदर आ रहा है, ना अमेजोन के, ना मिंत्रा किसी के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल सा काम करना है गाइज, अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन के लिए गिफ्ट वाउचर आपको यहाँ पर जनरेट करने होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप गिफ्ट कार्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करना है कि आप शॉपिंग कहाँ पर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, जहाँ पर भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं वो आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप अमेजोन पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो अमेजोन ओपन करना है। एक बार अगर आपको ये देखना है कि मेरे अमेजोन पे के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है जस्ट मनी को, तो आप गो टू अमेजोन पे क्लिक करने के बाद जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग होता है वहां पर 2500 से, यानी 2500 से स्टार्ट होता है आपको शॉपिंग करने के लिए वहां पर, यानी 2500 कम आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, 2500 से ऊपर ज्यादा की शॉपिंग आप कर पाएंगे। और आपको अगर वहां पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा जस्ट मनी का, तो आपको क्रिएट वाउचर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप कम से कम 3000 का वाउचर जनरेट कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट वाउचर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट वाउचर पर क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद जो पेज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी टोटल लिमिट जो भी होगी वो आपको दिखाई देगी, 50,000 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर केवल 50,000 ही दिखाई देगा, क्योंकि आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैनुअली
वो अमाउंट चूज करनी है जितने की आप शॉपिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 3000 रुपये का गिफ्ट वाउचर जनरेट करूँ तो यहाँ पर मैं 3000 रुपये ऐड करूँगा, उसके बाद सिलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बाद दिक्कत हो जाती है यार। तो इसके बाद मैं अपना एंड्रॉइड फ़ोन उठाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे आप गिफ्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। गाइस जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा गाइस वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर हम कर रहे हैं यहाँ पर 3000 रुपये का गिफ्ट वाउचर जनरेट और आपको ये 3 महीने की ईएमआई में जो है 0% इंटरेस्ट पर मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर अगर आप 3 महीने के लेंगे तो 0% इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगेगी 235 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो स्किप मत करना गाइस, नहीं तो फिर आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 235 प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा, कंटिन्यू आपने क्लिक करना होगा गाइस। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिक्योर माई लोन आपने इस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाएंगे। कन्फर्म परचेज पर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, इसको टिक मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर एक इंश्योरेंस के पैसे भी ऐड कर देगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। इसको छोड़ देना, कंफर्म परचेज पे क्लिक करना। मैंने 3 महीने की ईएमआई ले रहा हूँ, 0% इंटरेस्ट है। आप चाहे तो 6 महीने 10 महीने जो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा उतने महीने के लिए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप करेंगे 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है, 3 महीने के लिए गिफ्ट वाउचर हम यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं, तो आपको जनरेट वाउचर पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप जनरेट वाउचर पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस योर वाउचर इज अप्रूव्ड, हमारे वाउचर यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं। वाउचर देखने के लिए गेट वाउचर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, 1044 की हमारी ईएमआई यहाँ पर हो रही है और जैसे ही हम गेट वाउचर पर क्लिक करेंगे, और मैं आपको बोला था ना गाइस 7336 रुपये का पे लेटर लिमिट मेरी यहाँ पर है जिससे मैं केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल बिल पे कर सकता हूँ। ठीक है, 30 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट मिलता है, कोई प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर नहीं लगती है, वो है जैस्मनी बोल्ट, देखना चाहते हैं वीडियो देख सकते हैं एड्रेस पर क्लिक करने के बाद में। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस हमारा जो वाउचर है वो रेडी हो चुके हैं। अब ये वाउचर हमें कहाँ पर मिलेंगे, वाउचर हमें मिलेंगे हमारे मेल के अंदर, जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपको वहां पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं जैस्मनी योर गिफ्ट कार्ड इज रेडी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो बीच में गिफ्ट कार्ड पिन है ये जो ये कॉपी करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये वाले कॉपी नहीं करने, आपको ये वाले कॉपी करने जो बीच में है और उसके बाद आपको यूज गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यूज गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जिस भी ऑनलाइन स्टोर के लिए गिफ्ट कार्ड लिए हैं आपको उस स्टोर में जाना है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको अमेजोन के लिए तो आपको क्या करना है, यूज गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अमेजोन पे ओपन करना है। अमेजोन पे ओपन करने के बाद गाइज आपको एड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अमेजोन पे वॉलेट ओपन करने के बाद में ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना, 250 रुपये मेरे पास पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो गाइस नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ऐड गिफ्ट कार्ड का आपको यहाँ पर एक टैब दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो आपने कॉपी किए हैं वो पिन वो यहाँ पर पेस्ट करना है, ऐड योर बैलेंस पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं हमारा बैलेंस हो चुका है 3250 रुपये। ठीक है, 3000 हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आसानी से। यानी गाइस कुल मिला के बात ये है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है जैस्मनी फ्लिपकार्ट के अंदर जैस्मनी का, तो आप डायरेक्टली जैस्मनी ओपन करके वहां से गिफ्ट कार्ड जनरेट करने के बाद भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने अपने गिफ्ट कार्ड जो है जनरेट कर लिया है, उसको ऐड कर लिया है अपने अमेजोन पे वॉलेट के अंदर। अब आप जो है यहां पर इन 3000 रुपये का यानी जो भी आप यहाँ पर पैसे ऐड करेंगे, जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक बार में आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और जैस्मनी के अंदर आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज आप इस तरीके से जैस्मनी क्रेडिट लाइन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर के अंदर डायरेक्टली जैस्मनी का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आप गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया और उसके बाद शॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना।